24 न्यूज लाइव। गौशाला में गोवंश तड़प तड़प कर तोड़ रहे हैं दम। बुरहनपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया ब्लॉक अंतर्गत गौशाला में गोवंश अपना दम तोड़ दे रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि स्थानीय लोग अपने मरने वाले पशु को लाके यही छोड़ देते हैं, जिससे ये सारी समस्या आ रही है। वहीं प्रधान का कहना है यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड या कोई सिपाही नहीं है, यहाँ सरकार को किसी को रखने की आवश्यकता है। ऐसे में ग्राम प्रधान ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। सर आपका परिचय? मेरा नाम बलराम यादव। किस गांव ग्राम प्रधान जी हैं? ग्राम पंचायत जो गौशाला बनी है आपके ग्राम पंचायत में बनी हुई है, उसमें गाय कुछ इलाज के अभाव से तड़प रही थी, हमने जाके देखा कुछ ये मर रही हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए न गांव इलाज के अभाव में तड़प रही हैं न ही मर रही है। जी गांव में जिसके पास गाय मरने के कगार पे हो जाती है क्षेत्र, आजकल आदमी की मजदूरों की संख्या बहुत कम, वहां पर सुरक्षा कुछ नहीं, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई जो है कि सुरक्षा कर्मी नहीं है। गाँव का कोई व्यक्ति, क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब वो अपनी गाय कल दम तोड़ने वाली है, आज शाम को लेके आएगा और उसका पगा पकड़ के जबरदस्ती गौशाला के अंदर करके चला जाएगा, तो गाय मरेगी नहीं तो क्या करेगी? गाय किसी के पास गाड़ने की जगह नहीं है, गाय किसी के पास घर पे कोई उठाने वाला व्यक्ति नहीं है, हर व्यक्ति सिटी और शहर में रहता है, जब तक दूध देती तब तक उसकी रहती है, मरने कगार हो जाती है तो उसकी बाँह पकड़ के दो आदमी पीछे ढकेलते हुए गौशाला में कर देते हैं। कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई सिक्योरिटी गार्ड हो खड़ा होकर मना कर दे, कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो कि उसको रोकथाम कर दे। बताइए प्रधान क्या वहाँ लड़ाई करने के लिए जाएगा? कोई भी व्यक्ति लगावा जिससे जो पब्लिक के अंदर डर उत्पन्न रहे कि कोई जबरदस्ती है अनाथ पशुओं को उसमें ले जाके न डाले। आपने देखा होगा जितने भी पशु होंगे आधे से ज़्यादा जियो टैग नहीं कान में, आधे से पशुओं के कान में जियो टैग नहीं है, बिल्ला नहीं लगा, जबरदस्ती ला कर दे। 56 की क्षमता उस गौशाला की है, 115 मौके पर आए, आप बताओ क्या स्थित होगी? जबरदस्ती गाँव वाले ले जाके उसी बाउंड्री के गेट में रात में बांध देते हैं, चार ठो बांध देंगे, सुबह उसको जबरदस्ती उसके अंदर घुसवा देंगे, जबरदस्ती लोग डाल देते उसमें गौशाला में। कोई सिक्योरिटी नहीं, गेट में चार ठो रोज रात में जाइए 12 बजे, चार ठो नए बंधे हुए मिलेंगे आपको। और जो गांव में जो इधर उधर जो बीमार रहते हैं वो सब डाल देते, इसी कारण लोग मर रहे हैं। बिल्कुल गांव में नहीं, किसी के पास भी मरने वाला होता है तो सीधे ले जाकर गौशाला में छोड़ देता है, ताकि दम ही तोड़ेगा और प्रधान इसको गड़वा देंगे उनके घर न मरने पावे। और आरोप सुबह ही वो मोबाइल लेके चले आएंगे अपने ही गाय का वीडियो खींचने के लिए, अपने ही गाय का वीडियो खींचने के लिए सुबह एकदम विपक्षी वाले गौशाला में हाजिर हो जाएंगे, ले लीजिए गाय दम तोड़ रही है, और वो अपने ही गाय ला के छोड़ते, उनके गाय के उस पर देख लिए कोई बिल्ला है, कोई जियो वो टैग है उसके गाय के कान में, कोई नहीं है, ये अनाथ पशु लाके लोग जबरदस्ती डालते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है जिससे उस पर रोकथाम की जाए कि कोई अनाथ पशु न ला के डाले।